गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहले तो बहुत ज्यादा सॉरी यार, कल मैं ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाया क्योंकि मेरी हालत बिल्कुल खराब हो चुकी थी। मैं आगे कुछ नहीं कर सक रहा था, तो फिर मैंने बोला सुबह ही कंटिन्यू करते। बाकी यार आज है मेरे कॉलेज का पहला दिन और आज ही मेरा होने वाला है प्रैक्टिकल। चलो चलते हैं कॉलेज और देखते हैं कॉलेज में क्या चल रहा है। बंद हो जा सिम सिम, ये सारी चीजें हैं भाई प्रैक्टिकल की। चलो यार निकलते हैं। और ये पानी गिर गया है, गलत नहीं समझ। यार कॉलेज के लिए निकल तो गए हैं, चलो अब देखते हैं कितनी देर में पहुंचते हैं। आधा घंटा रह गया है कुछ प्रैक्टिकल के लिए। अभी भी काफी ज्यादा तबीयत खराब है, लेकिन कल से तो बेहतर है। व्लॉग मतलब बना सकता हूँ थोड़ा बहुत। चलो पहुँच के ही मिलता हूँ मैं वहाँ। तो भैया क्लासरूम में तो मैं पहुंच गया, लेकिन तुम लोग को लग रहा होगा फुल भरी हुई होगी क्लासरूम, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं था भाई। क्लास में अलग से आपका भाई का प्रैक्टिकल हो रहा था भाई, पूरी क्लास बुक की हुई थी आपके भाई ने। और दरअसल मैं लेट हो गया था तो अलग से हो रहा था मेरा। बाकी तुम लोग इग्नोर करो, ये बोर्ड वोर्ड पे क्या लिखा हुआ है भाई। ओ तेरी खैर, ये खून वून कहाँ से आ गया भाई क्लास में? अरे अरे भाई ये भूतिया क्लास है क्या? दीवारों के कोने पे भी खून लगा हुआ है। मजाक कर रहा हूँ, गुटका उटका मावा थूका भाई किसी ने। बाकी क्लास पूरी खाली है। तो भाई साहब प्रैक्टिकल हो चुका है, ठीक है अब निकलते हैं घर की तरफ। बस वाले हैं क्या ये, इतनी जल्दी में जाते हैं ये लोग। पूरा उल्टे रोड पे आ गया था ये तो। इतनी बड़ी बस चलाना इतना मुश्किल होगा, और जाना भी इनको सबसे आगे बाइक वालों की तरह। तो यार घर पहुंच चुके हैं फाइनली। धूप में रहने से मेरी थोड़ी और तबीयत खराब हो गई है, लेकिन क्या करें, जरूरी था प्रैक्टिकल दे के आना था। चलो 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 चलो, खोलो खोलो खोलो। यार अभी मैं घर आया हूँ, खाना वाना खाया, और मैं क्या देख रहा हूँ, इतनी कोई तेज तूफानी बारिश हो रही है ना, इनका जो ये छपड़ा है ना ये भी पूरा उखड़ गया है। ये देख रहा हूँ उसकी हालत क्या हो रही है। अभी तो तूफानी नहीं हो रही, अभी थोड़ी देर पहले तूफानी हो रही थी फुल तेज, लेकिन बारिश फिर भी हो रही है अभी भी। हमारी गाड़ी तो उस साइड खड़ी हुई है यार। अबे यार वैसे उसका पेंट भी उतर रहा है स्पॉइलर की साइड से इन बारिशों की वजह। अब देखो उनका छपरा बिल्कुल ही गिर गया है, मतलब जो अभी थोड़ी देर बहुत था वो भी चला गया। वो ब्लू वाला दिख रहा है पूरा सही था, ऊपर गया गया। वैसे ये बारिश देख के मुझे अपनी गाय की याद आ गई भाई, इसी तेज से भी तेज बारिश हो रही थी, और मैं भाग भाग के गया था छपरा ढूंढने ये वो गाय के लिए, और कभी खाना देने भी इतनी तेज बारिश में जाना होता था। बारिश ने बहुत परेशान किया था उन ईद के दिनों में। अब तो लेकिन इतनी टेंशन नहीं है, लेकिन अगर ज्यादा हुई तो फिर बहुत टेंशन। गोकू तुम क्यों आ गए? तो जाओ, बहुत तेज बारिश हो रही है पागल, डूब जाओगे तुम तो इस बारिश में। आपका इतना दिल है मुझे फेंक सकते हो? गोकी बारिश देख रहे हो, इतनी तेज बारिश हो रही है, देखिए कभी जिंदगी में इतनी तेज बारिश नहीं। बाय बाय गोकू गोकी। तो भाई सीन ऐसा है, उस दिन के बाद से अब मैं व्लॉग कंटिन्यू कर रहा हूँ। उसके बाद से शदीद तबीयत खराब हो गई थी और ज्यादा, अभी भी तबीयत ही खराब है। डॉक्टर के पास दोबारा जा रहे हैं। चलो यार निकलते हैं। बहुत मुश्किल होता है मतलब इस तरह की सिचुएशन में ब्लॉग बनाना, क्योंकि मैं चाहता हूँ एंटरटेन करूँ और मैं वो कर नहीं पाता। ऐसे टाइम पे मुझे खुद एंटरटेनमेंट की जरूरत होती है, तो मैं दूसरे यूट्यूबर्स वगैरह की वीडियो देख रहा हूँ। ये सूरत हाल है, अभी चलते हैं डॉक्टर के पास। यार ट्रैफिक इतना है यार, जल्दी जाना है अपने को। हालत वैसी खराब हो रही है, गाड़ी भी मैं 3-4 दिन बाद चला रहा हूँ। इनका सिग्नल खुला हुआ है, सिग्नल बंद है, ट्रैफिक जाम नहीं है। नो व्लॉगिंग गाड़ी चलाते वक्त। तो यार डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने भाई दवाई वगैरह दे दी है, दोबारा से देखते हैं सही होता हूँ या नहीं। फिलहाल अभी मैं खा रहा हूँ फ्राइज, उन्होंने इजाजत दे दी है कि खाना खा सकता हूँ। 3 दिन से मैं खाना नहीं खा रहा था, इस वजह से कोई एनर्जी नहीं थी, कोई ब्लॉग नहीं। जो सॉलिड खाना होता है मतलब केक वेक बिस्किट विस्किट वो खा रहा था। अब थोड़ा मैं खाऊंगा तो फिर जान आएगी, ब्लॉग बनाऊंगा। अभी एक आध खाया तो जान ही बना पाऊंगा। चलो इसको टेस्ट करें यार, 10 साल हो गए फ्राइज खाए हुए। चीज तो बहुत ही बढ़िया, चीज बढ़िया है। तो भाई साहब पबजी मोबाइल का न्यू मैप आ चुका है, नूसा नामी भाई। इसके अंदर बड़ा मेला वेला लगा हुआ है दिखने में, तो चलो आओ अंदर घुस के देखते भाई होता क्या है यहाँ पे। चलो बॉट्स वोट घूम रहे इधर, लेकिन हमें वैसे ही बॉट्स को मार के चिकन डिनर करना है, ठीक है? ये ट्रिक होती है समझ रहे हो। यहाँ पे हम लोग जाने वाले हैं बिल्कुल बीच में, क्योंकि बीच में सुना है मैप के ज्यादा बंदे आते हैं, तो देख लेते हैं भाई टीममेट लेके जा रहे हैं। मुझे टीममेट ने अगर किल चुराई मेरी, मैं तो बोलता हूँ बाथरूम की चप्पल साथ जेब में रखे घूमता हूँ मैं हमेशा, क्योंकि टीममेट बहुत हरकतें कर रहे होते हैं। लूट वूट आपके भाई ने कर ली थी, तो निकल पड़ा आपका भाई गाड़ी लेके फुल बूम बाम। वहाँ भाई कहाँ है बंदे, चौड़े में जा रहे थे। आपका भाई ने बोला लॉबी तबाह कर दूंगा, बस ये एक बोट मारा है अब बोट नहीं मारने वाला मैं, बस बोट हो गया अब बोट नहीं, एक बस एक और बोट मारा है अब बोट नहीं मारने वाला मैं, अब रियल बंदा मारूंगा। वो वहाँ पे एक बंदा घूम रहा था, एक मिनट उसको भी फेरते, मरियम को क्यों फेर दिया यार मेरे टीममेट, ये क्या नाम है इसका, नदीम नानी वाला। अरे नदीम भाई आप भी खेलने लग गए, इसको छोड़ो यार। हम लोग निकल पड़े आगे, और आगे हमें क्या देखने को मिला भाई, ड्रॉप देखने को मिला। टीममेट आसपास नहीं थे, तो आपके भाई ने फौरन से जेब में डाल ली MK। ओए होए 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 होए, बड़ी लूट पड़ी हुई है। गिली सूट आपका भाई पहनता नहीं है, क्योंकि आपके भाई को लेटना लूटना नहीं है। तो ये डोरी भाई, डोरी भी बनी हुई है इधर, तो भाई इस पे चलते हैं यार। ये जिप लाइन है यहाँ पे, तुम लोग देख सकते हो, सवात में हम लोग गए थे, हमें तो मिली नहीं, बंद हुई हुई थी, लेकिन चलो यही मजा ले लेते हैं थोड़ा। दूसरा यार ये PUBG मोबाइल का न्यू 1x1 KM मैप है, ठीक है, मतलब ये फास्टर पेस देन लिविक है, क्विक मैचेस विद मोर एक्साइटमेंट, और PUBG मोबाइल का छोटा मैप है, ठीक है। स्टे ट्यून्ड, लेट्स हैव सम फन। यही में भाई आपका भाई लैम्बोर्गिनी चलाई जाने ओ करता करता इधर उधर घूम रहा, और चिकन डिनर हो गया।
मेरे टीममेट्स ने सब बंदे मार लिए। मैंने टीममेट को बोला चलो स्टार्ट हो तुम लोग, भाई मैं अकेला खेलूंगा, तुम लोग बहुत खेल चुरा रहे हो। तो मैंने फिर से फैसला किया कि बीच में जाएंगे हम लोग, तो लूट वूट करने के बाद आपका भाई ले गया, निकल गया ये फोर व्हीलर, भाई मजे की है ये गाड़ी, लेकिन गिर गया मैं। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे एक और बंदा मिला, इसको फोड़ा मैंने इसको, और फिर यहाँ पे आप फाइट इंजॉय करो, यहाँ पे बड़ी खतरनाक फाइट हुई मेरे इसके साथ। तुम लोग क्या करोगे? दोस्तों नॉक करने के बाद आपका भाई के सामने और बंदा आ चुका था, और मैं इसको फिनिश करने की कोशिश की, लेकिन फिर मैंने नाम पढ़ा क्वीन नाम है यार, मैंने बोला क्वीन को नहीं फिनिश करते। यहाँ पे हम लोग ने एक नेट फेंका और बूम बाम हो गया इसके साथ वाले का। यहाँ पे बंदे फाइट कर रहे थे, आपको चुराने की कोशिश की लेकिन नहीं हो पाया, लेकिन चलो कोई मैंने फिर किल चुरा ली इस बंदे की। आय 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 आय, किल चुराने का जो मजा है ना, बस यहाँ पे बंदा मुंडी दिखा रहा था, मैंने बोला चलो शैडो लॉबी, आपके भाई ने कर लिया चिकन डिनर। तो यार PUBG मोबाइल का एक टॉक शो आ चुका है, ठीक है, व्हाट्स न्यू के नाम से, जिसमें प्राइम परदेसी और बाकी सारे गेमर्स वगैरह, जो कि PUBG मोबाइल के चैनल पर रिलीज हो गया था 15 सितंबर को। उसके अंदर न्यू मैप के फीचर्स की भी बात हुई है, जैसे कि अभी मैं तुम लोग को दिखाता हूँ थोड़ा सा, और फनी फनी सी हिंट्स भी दी गई है न्यू मैप के हवाले से। इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया अपनी वीडियो के, तो जाके देख लेना, लाइक सब्सक्राइब सब करके आना PUBG मोबाइल के चैनल पे। चलो अब देखते हैं इसको। भाई ये 1x1 का मैप है, मतलब PUBG मोबाइल का सबसे छोटा मैप है, और 8 मिनट में खत्म हो जाता, आपको पता ही नहीं चलता। अच्छा ये नूसा मैप के बारे में बात हो रही है, सुनो यहाँ पे स्विमिंग पूल है, यहाँ स्विमिंग पूल भी है भाई, मैं फालतू फार्म हाउस चला गया था यार, स्विमिंग पूल यहीं चले जाते हम, और ये स्विमिंग पूल नहीं है, दरिया वरिया, हाँ स्विमिंग पूल भी है, बीचेस है, यहाँ पे सनसेट स्ट्रीट है, और सनसेट स्ट्रीट भी है भाई यहाँ पर, और बहुत सी चीजें आपको एनोनिमस बताएंगे। बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं जो शॉर्ट वीडियोस बनाते हैं। अच्छा, पहले वो लिविक में जाया करते थे, वहाँ बनाया करते थे, अब उनको बनाना चाहिए नूसा मैप में, इतना खूबसूरत पिंक बीच। आपने पिंक बीच? अबे ये कौन सा पिंक बीच आ गया, पहले कभी देखा? पिंक सैंड है उसके अंदर, इतने बड़े बड़े बीच बॉल्स हैं, और यहाँ पर आप लोग को शॉटगन मिलती है NS 2000। इसमें भी डरने की बात नहीं है, अगर आप मर जाते हैं तो आप सुपर रिकॉल से वापस भी आ। हाँ मैंने खेला है, हाँ मुझे पता है, हमें मत सिखाओ। देखे अगर एक दफा मैंने सुना की क्वाड बाइक भी मौजूद है और टू सीटर है, ऐसा ही है, इसको बनाया गया मैप के हिसाब से, डबल सवारी बिठाओ जैसे मर्जी भगाओ, आप बाइक आपका साथ दे। अरे तू बैठेगा मेरे पीछे, बिल्कुल ऐसे पकड़, मरेगा। अच्छा तो मैंने सुना कि पेंटिंग, ऑयल पेंटिंग, मैं आपको बताऊं एज बी पाकिस्तानी आपको इतना प्राउड फील होगा इस मैप में जाकर, आपको ऑयल पेंटिंग्स दिखते हैं वहाँ पे, आप उनके करीब जाते हैं तो आपको पाकिस्तानी मॉन्यूमेंट्स नजर आते हैं, जैसे मीनारे पाकिस्तान वगैरह, ये वो पाकिस्तान जिंदाबाद जी, वेरी नाइस। उनके पास जाके आप इंटरेक्ट करते हो तो वहाँ से गाने बजते हैं, जहाँ पे आयमा बेग और बिलाल सईद का सॉन्ग वहाँ पर है पबजी का, यस लाइक दिस, फोटोग्राफ के आगे आप ऐसे करेंगे तो फिर आपको गाना सुनने को मिलेगा जी। ओके पहले हमारे पास होता था फ्लेम थ्रोअर ना, आप मोली होती जी, आप मारते थे तो जमीन पे आग लग जाती थी, अभी आप अगले का घर जला सकते हो। क्यों? ठीक है, जो अंदर कैंपर बैठे होते हैं ना, कैंपर अंदर, कैंपर तो गाड़ी क्यों करवाते, वो तो या भाग रहे होंगे या आप उनके पीछे घर में घूम रहे होंगे। बाकी के फीचर्स तुम देख लेना यार, अभी मेरा उत्तर नहीं है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, जाओ जाके देख लेना। क्या आपको अपने यूसीज फौरन अपने अकाउंट में चाहिए? आज ही कोडा शॉप पे जाएं और PUBG वाउचर्स खरीदें। कोडा शॉप दुनिया भर के पब्लिशर्स और गेमर्स की ट्रस्टेड वेबसाइट है, और यहाँ कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं, इसका मतलब यह है कि आपके परचेज में कोई फ्रॉड या स्कैम के चांसेस नहीं है। तो आज ही अपने परचेजेस सिक्योर करें और अपने गेम क्रेडिट कोडा शॉप से खरीदें। PUBG रॉयल पास M15 भी फाइनली आ चुका है, सो हेड ओवर टू कोडा शॉप एंड परचेज योर PUBG वाउचर्स, और फिर अपग्रेड करें अपनी गेम। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करें और वाउचर परचेस करें, और ऐसे ही बहुत ही ज्यादा मजेदार ऑफर के लिए कोडा शॉप को फॉलो कर लो। चलो मैं तुम लोग को बता देता हूँ कोडा शॉप पे टॉप अप कैसे करना है, ठीक है, और बाकी यार इसमें लॉगिन वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती। चलो मैं बताता हूँ, पहले कोडा शॉप पे जाना है तुम लोग को, फिर PUBG मोबाइल के वाउचर्स पे क्लिक करें और अपनी यूसी सिलेक्ट करें, पेमेंट मेथड सिलेक्ट करें और अपना ईमेल एड्रेस लिखें, फिर बाय नाउ पे क्लिक करें, और बस हो गया आपका काम, आपका वाउचर आपको ईमेल कर दिया जाएगा और पेमेंट कंफर्मेशन स्क्रीन पे भी आपको वाउचर शो हो जाएगा, सेम जैसे कि मैंने वीडियो में बताया। तो इसी तरह करोगे तो प्रोसेस मेरी तरह तुम लोग का भी डन हो जाएगा भाई, और यूसी तुम्हारे अकाउंट में पहुंच जाएगी, नो लॉगिन रिक्वायर्ड है, मतलब भाई
ले लो ठीक है, अभी के अभी जाओ। और बाकी यार लाइक सब्सक्राइब इस वीडियो को कर देना दबा के ठीक है, और इस सब के लिए सॉरी हाँ, प्रमोशन वगैरह के लिए ठीक है, मुझे पता स्किप कर दिया होगा तुम लोगों ने, तो नो प्रॉब्लम। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। चलो शार्ट ऑफ व्लॉग्स आते रहेंगे कल या परसों। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। चलो शार्ट ऑफ।